हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों का जो यहां पर बीएड 2024 का जो सत्र है उसके लिए जो है यहां पर निकाला गया है विज्ञापन और आपका आवेदन 10 फरवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है कि 10 फरवरी से 10 मार्च तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल भी है सारे साथियों के मन में कि क्या अब बीएड करना अच्छा है नहीं अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे बीएड जो छात्र कर चुके हैं वो ऑलरेडी परेशान है। उनको ये लगता है कि मेरे घर में एक लड़का है उसको बीएड करवाना है, पता नहीं मैं उसको बीएड करवाऊं कि डीएलएड करवाऊं, बहुत सारे असमंजस है ना। तो ऐसे में जो है हम आपको आज बताएंगे कि आपको बीएड करना सही है या आप डीएलएड करना सही है या दोनों करोगे या नहीं करोगे, उन सभी चीजों पर मैं आपको यहां पर अपडेट कर देता हूं। पहले चले गए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपको चक्षु पब्लिकेशन की मिल जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं पूरी स्टडी गाइड बुक है, सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, नवीनतम पैटर्न पर आपको ये जो है बुक देखने को मिल जाएगा। किससे कितने कितने नंबर आते हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ पूरी कंप्लीट गाइड है, यानी ये बुक पढ़ लेंगे तो आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है इससे बाहर आपका नहीं आने वाला। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप किसी भी अगर बुक स्टोर पर भी लेना चाहते हैं तो वहां से भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को स्क्रीन पर यहां पर दो बुक इनकी और दिख रही है, अगर आपको चाहिए तो ये भी आप बुक जो है आप ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले लीजिए इसको। देता हूं, पहले मैं इस न्यूज को पढ़ लेता हूं। लिखा है कि बीयू यानी कि इस बार भी जो बीएड है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करवाएगी, 10 फरवरी से भर सकेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म, बीयू ने जारी किया विज्ञापन, 10 मार्च तक भरे जाएंगे आवेदन। लिखा है कि संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10 फरवरी से भरे जाएंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर छात्र छात्राएं 10 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। 20 से 25 अप्रैल तक बीयू प्रवेश परीक्षा जारी करेगा। बीयू को एक बार फिर से बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली है। शासन की ओर से 1 फरवरी को विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम में बीयू ने बृहस्पतिवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। तो आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, वो आप जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है यहां पर, क्या बीएड करना चाहिए। तो देखो भाई, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर स्पष्ट करूंगा, अगर आप प्राइमरी की शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बीएड की तरफ तो बिल्कुल भी देखना भी नहीं है। मतलब उनको मतलब ये नोटिफिकेशन आएगा इसको ऐसे तुरंत हटा देना है कि नहीं भाई मुझे नहीं करना बीएड, अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आपका सपना ये है कि मैं मैथ्स किया हूं ग्रेजुएशन में, मैं संस्कृत हूं, मैं हिंदी हूं, मैं SST हूं, मैं आर्ट हूं, जो भी है, यानी अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट पर कमांड है खूब अच्छे से, तो फिर आप बीएड करिए और आप TGT की तैयारी करिए बहुत अच्छे से, ठीक है। हालांकि बीएड करने के बाद में आपको 2-3 जगह पर मौका मिल जाएगा। अगर आप बीएड प्लस पीजी रहेंगे तो आप PGT की वैकेंसी में बैठ सकते हैं, अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप TGT कर सकते हैं, आप 6-8 की भी वैकेंसी में आप बैठ सकते हैं, बस आप खाली 1-5 वाली वैकेंसी में आप नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर आपका सपना 1-5 वाला शिक्षक बनना है तो आप बीएड बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप PGT TGT 6-8 है तो आप बीएड कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड रहेंगे तो डीएलएड रहने से यह फायदा होता है कि आप PRT की वैकेंसी देख पाएंगे, 6-8 की वैकेंसी देख पाएंगे, लेकिन इन दोनों वैकेंसी से आप हाथ धो बैठेंगे। तो ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि आप TGT के लिए जाना चाहते हैं या PRT के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इस पर अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करिएगा और आपको अपने हिसाब से आपको करना होगा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपका करवा रही, पेपर आपका टाइम से कंडक्ट हो जाएगा, उम्मीद है अप्रैल या फिर मई के महीने में आपका पेपर भी हो जाएगा, अप्रैल लास्ट तक पेपर हो जाएगा मुझे यहां तक विश्वास है। बाकी आप लोग जितने भी साथी हैं, फिलहाल अभी बीएड को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो एक बात तो क्लियर है कि जो नए बीएड वाले छात्र रहेंगे उनको तो प्राइमरी मौका नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, 100% उनको नहीं मिलेगा। बाकी जो पुराने छात्र हैं, हो सकता है कि उन लोगों को कुछ ऐसी चीजें लाकर उन लोगों को वैलिड कर दिया जाए, जो पुराने छात्र जो गजट देखकर जिन्होंने कर लिया उनको मौका मिल सकता है, लेकिन जो नए लोग बीएड करोगे उनको प्राइमरी मौका नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो आप लोग अगर प्राइमरी के लिए तैयारी करो तो बीएड की तरफ आप बिल्कुल मत कूदें, ठीक है। बाकी इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।